नौकरी मिलती तो अस्थायी मिलती है, 5 साल तक फिक्स पे भी मिलती है, कॉन्ट्रैक्ट में मिलती है। और अभी हमने 10 दिन पहले ही 1,10,000 जो कॉन्ट्रैक्ट में थे उन सबको हमने नियमित करने का फैसला कर लिया, आपने देखा होगा अखबार के अंदर भी। इस प्रकार से हम युवाओं का ध्यान रख रहे हैं, हर वर्ग का ध्यान रखते हैं हम लोग वहां पर। जब मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आपने देखा है किस प्रकार से पशुपालक है यहाँ पे, हम 5 रुपए प्रति लीटर का बोनस देते हैं दूध के लिए राजस्थान के अंदर। और हमने अब देखा होगा जो वचन कहे राहुल गांधी जी ने, उन वचन के आधार पर आने वाले वक्त के अंदर जो घोषणा करी है 500 रुपए मिलेगा, गैस सिलेंडर मिलेगा 500 रुपए में आपको, जो कोई मामूली बात नहीं है, बड़ी घोषणा हुई है कांग्रेस की तरफ से, महंगा कर दिया इन लोगों ने खुद ने, 400 का था पहले 1,040 का कर दिया, 300 यूनिट फ्री मिलना बहुत बड़ी बात है। अभी मैंने 50 यूनिट फ्री की राजस्थान में, 42 लाख लोगों को बिल शून्य आने लगे, जीरो आने लग गया राजस्थान में, 300 यूनिट तो बहुत बड़ी बात होती है। मैंने वहां बीमा किया है, प्रीमियम सरकार भर रही है, 10 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है इलाज का, हमारे यहाँ पूरा इलाज फ्री है, आईपीडी ओपीडी जो भर्ती हो या देखा के जाओ, एमआरआई फ्री, सीटी स्कैन फ्री, किडनी ट्रांसप्लांट करानी हो, लीवर ट्रांसप्लांट कराना हो, 10 लाख के अलावा खर्चा होगा 10 लाख 15 लाख वो भी सरकार देगी, ऐसा हिंदुस्तान में सुना आपने? ऐसी योजना आज तक कभी नहीं इतिहास के अंदर, आजादी के बाद में पूरा इलाज फ्री कर दिया राजस्थान के अंदर, सब अस्पतालों के दवाएं फ्री हो रही है, टेस्ट फ्री हो रहा है, इलाज फ्री हो रहा है। हमने मांग की है मोदी जी से भी, हमारी योजना को पूरे मुल्क में लागू करो, सोशल सिक्योरिटी जरूरी है, महंगाई का जमाना है और दवाओं में इलाज में बहुत खर्चा होता है, आप देखते हैं कई लोगों तो घर बिक जाते हैं, गहने बिक जाते हैं, उधार लेके लोग इलाज करवाते थे। राजस्थान में अब आप देखोगे तो आपको पाओगे कि ऐसा व्यवस्था कहीं पे हिंदुस्तान में नहीं है, हम चाहते वैसी व्यवस्था गुजरात में लागू हो, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। सरकार बनेगी कांग्रेस की, तो मैं वचन दिया है कि यहाँ पे 10 लाख का बीमा लागू होगा, गुजरात के अंदर लागू होगा। मेन बात ये कहना चाहता हूं मैं आपको, आप सोच सकते हो कितने पूरे गुजरात वासियों का, कोई अमीर गरीब की बात नहीं उसके अंदर, बीपीएल की बात नहीं है, कोई परिवार हो सब परिवारों के लिए खुले दरवाजे। अब ज्यादा पैसा वाला है जाना चाहे अहमदाबाद, उसकी मर्जी है, पर सरकार की तरफ से पूरा इलाज फ्री होगा गुजरात वासियों का, इतना बड़ा मैं आश्वासन देना चाहता हूँ आप लोगों को, ये कहना चाहता हूँ आपको। 3 लाख रुपए तक कर्जा माफ की बात करी गई है, 3 लाख रुपए कर्जा माफ करने की हमने वादा किया आपसे, वो माफ होगा। राजस्थान के अंदर भी राहुल गांधी जी ने कहा था चुनाव जीतते 7 दिन में हम लोग वादा निभाएंगे, कर्जा माफ करेंगे, तो हमने 3 दिन में वादा कर दिया, पूरा कर दिया, निभा दिया, कर्जा माफ आपने कर दिया। हाले विपक्ष वाले फिर हमें हमारे खिलाफ बोलते रहते हैं। कोरोना के अंदर हमने वहां पर हर परिवार को 50,000 तलक दिए हैं, उसके अलावा अगर बच्चे अनाथ है उनको 1 लाख रुपए तो एक मुश्त, 2,500 रुपए प्रति माह, 18 साल का होगा उसके लिए 5 लाख एफ डी आर करवा दिया अभी से हम लोगों ने, 18 साल के बाद में 5 लाख ब्याज से मिलेगा, तो वो अपना काम धंधा भी शुरू करने की सोच सकता है। विधवाओं के लिए यही किया हम लोगों ने, कोई कमी नहीं रखी, कोरोना में जो हमने व्यवस्था की थी इलाज की, फ्री इलाज की, उसको तो कल मुझे गुजरात में लोग मिले थे, वो कहता ऐसी व्यवस्था हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई जो आपने करी थी। अहमदाबाद में कितने लोग मारे गए, कितने मर गए, कोई सोच नहीं सकता, एम्बुलेंस भी डिप चढ़ती गई, कोई व्यवस्था ही नहीं थी भर्ती करने की। यहां आप निश्चिंत रहे, प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ में पब्लिक सेक्टर में भी अच्छे अस्पताल बने गांव गांव में,
सब सेंटर पीएससी सीएससी बने, डॉक्टर वहां रहे, ये व्यवस्था करने का कर्तव्य कांग्रेस सरकार का होगा। नौकरी जो है, मैंने कहा 3.5 लाख नौकरी किसे कहते हैं।